जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र स्थित टिस्को स्टाफ क्वार्टर के कुछ घरों के लोग मंगलवार सुबह से ही दहशत के साए में जी रहे हैं, जहां घरों में रखे कपड़े एवं अन्य जरूरी सामानों में संदिग्ध रूप से आग लग रही है और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कपड़ा जहां भी रह रहा है, कपड़ा में अपने से आग लग जा रहा है, भींगा हुआ कपड़ा भी है उसमें भी लग जा रहा है। क्या लगता है? तो कैसे पता चलेगा कि क्या लग रहा है, लेकिन आग अपने से लग रहा है। यहाँ आग बुता रहे हैं तो दूसरा रूम में आग लग जा रहा है, वहाँ से गाड़ी यहाँ पे खड़ा था, गाड़ी में आग लग गया, अपने से आग लगा। गाड़ी कहीं कुछ नहीं, वहाँ ना बत्ती है, ना पंखा है, ना और कुछ है। कपड़ा टांगा उसी सब, ये सवेरे से लेकर कम से कम 10-12 बार हो चुका है, 15-16 बार हो गया, कहीं भी आग लग जा रहा है। नुकसान तो जो है कपड़ा ही खाली जल रहा है, बेडशीट जल गया पूरा, गाड़ी जल गया, बाहर में खड़ा है देख लीजिए, गाड़ी जल गया, बेडशीट वगैरह जितना गद्दा उद्दा तकिया उकिया वो जल गया, वॉशिंग मशीन में आग लग गया था, उसका ऊपर थोड़ा हल्का सा जला, ज़्यादा नहीं, प्लास्टिक कवर वगैरह जो था सब जल गया, अपने लग गया अपने। वैसे आग कैसे लग रही है इसका पता अब तक नहीं चल सका है, यहाँ तक कि दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस भी आग के स्रोतों का पता लगाने में विफल रही है। संदिग्ध आग से 2-3 घरों के लोग परेशान हैं। उधर आग से हो रहे नुकसान को लेकर कंपनी क्वार्टर के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। ना चादर डाला हुआ, पहले वो जला है, चादर के बाद 5 मिनट के बाद फिर 1 कपड़ा जला है, फिर 5 मिनट के बाद 2 कपड़ा जला है, रह रह के थोड़ा ब्रेक दे के उसके बाद वो तीनों जलने के बाद हम लोग बैठा है, आंटी लोग का घर में जला है, वो जलने के बाद थोड़ा देर बैठा है, यहाँ स्टार्ट हुआ है। सबको फोन किया है लेकिन कोई आया नहीं है, फोन में पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, मेरा सास भी ससुर भी सब लोग फोन में फोन करके पूछ रहे क्या हो रहा करके, कोई नहीं आया। फिर उसके बाद सब दोपहर को बैठे थे, फिर हम लोग का फ्रिज वॉशिंग मशीन जल गया, फिर भी ठीक है करके हम लोग बैठे हैं, डाइनिंग टेबल के पास जला, फिर बरंडा में जला था बाहर दौड़ा। क्या लगता है? हमको नहीं पता भैया किससे हो रहा, लेकिन नहीं पता बाबू, लेकिन किससे हो रहा नहीं पता, लेकिन कपड़ा ही जल रहा भैया, खाली ही जल रहा, करंट का भी स्मेल नहीं आ रहा, कुछ करंट तार का स्मेल नहीं आ रहा भैया। सुबह में भी ये बाबू खोल के देखे ना, मेन भी बंद है लेकिन वो जल रहा जल रहा जल रहा, नहीं पता। तो पेट्रोलियम गाड़ी वाले लोग उलंग भी देखे, उलंग भी ताजुब हो गया कहाँ जल रहा करके, पूरा घर देखे चला गया, उलंग जाने के बाद और ज्यादा ही हो रहा सुबह से, मैंने जब से वहाँ पकड़ लिया ना वो ठीक हो गया, तेरा तो ठीक हो गया, फिर तेरा जल गया, अपने आप पकड़ ले रहा है, खाली कपड़ा में आग लग रहा है, खाली कपड़ा में जल गया, गद्दा सब मेरा जल गया पूरा। तो मैं तो ऑन कीजिए, अब क्या लगता हम कैसे बोले, कौन कर रहा है क्या कर रहा है, भगवान जानेगा ऊपर वाला आदमी, आज हम भरदार है आज है कल चल जाएंगे, दिक्कत तो उनका ना है, छोटा छोटा बच्चा लेकर छोटा बच्चा है, कोई है नहीं, इनका हस्बैंड भी गया, हम है हम। फिलहाल दमकल विभाग आग के स्रोतों का पता लगाने में जुटी हुई है। वैसे इस अगलगी में कई कीमती सामान और कपड़े जल चुके हैं। यहाँ बार बार आग लग रहा है, सुबह में पेट्रोलिंग गाड़ी आया था तो बुझा कर गया, फिर अभी हम लोग सूचना मिला कि आग लग गया तो हम लोग आए, लेकिन अभी तो आग बुझ गया है और कोई सोर्स का पता नहीं चल रहा, मेन लाइट ऑफ है और अगल बगल में कहीं कुछ है नहीं, यही है ये रूम है अमानत रोड, पता चलेगा तब तो फायर ब्रिगेड बुझाएगा, आग है अभी यही नहीं है, बोल रहा है कि हम जैसे ही जा रहे हैं फिर पकड़ ले रहा है, अपने आप पकड़ ले रहा है, क्या होता है तब होगा तब पता चलेगा क्या है, तो पता था हम लोग तो रहते नहीं है रूम में, हम लोग तो आए तो अभी बुझा हुआ है, वो तो घर वाले बताएंगे ना क्या कारण है।